फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कल के होने वाले लिस्टिंग एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के बारे में। पहले तो ये आईपीओ अगर किसी ने अप्लाई किया है तो ये थोड़ी अपनी गलती हो गई है। ये आईपीओ एक्चुअली अप्लाई करने जैसा था ही नहीं, पर फिर भी अगर अप्लाई कर दिया है और अगर किसी को ये जानना है कि ये आईपीओ अगर नीचे खुले तो लेना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के आईपीओ के पर्टिकुलर्स के बारे में। आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर तक खुला था। प्राइस बैंड 305 रुपए से 306 रुपए के बीच में थी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 49 शेयर थी, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 14,994 रुपीज। करीबन ये आईपीओ 3.94 मल्टीपल में भरा था, जो बहुत ही कम है हाल के फिलहाल में। और HNI जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने तो इस आईपीओ को थोड़ा सा भी अपना तवज्जो नहीं दिया, ओनली 0.69 मल्टीपल में भरा है। RRI रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ा भर दिया है। ग्रे मार्केट 2 दिन पहले -8 रुपए था, यानी कि डिस्काउंट में चल रहा है ग्रे मार्केट, जो आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब -25 रुपीज है। तो करीबन लिस्टिंग 281 रुपीज के अराउंड ये लिस्ट हो सकता है। तो अभी कल क्या होगा उसके बारे में अभी बात करते हैं। अगर ये लिस्टिंग 280 और उसके नीचे होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कल के दिन ऊपर आ सकता है, तो अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करे। पर ये देखिए, अगर ये 250 के नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से ये 200 तक जाएगा, तो 250 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख देना। और 290 और 300 तक जाने की संभावना है तो वहां तक भले आप बेच देना, बट ये आईपीओ ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है और फ्रेश बाय तो प्लीज कभी भी ना करें इसमें। और अगर ये लिस्टिंग 280 और ऊपर हो जाता है तो मेरे ओपिनियन से बेच देना चाहिए 290 अराउंड। आपका अगर 280 में भी बेचते हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1274 का लॉस होगा। मेरा ये मानना है कि इतना लॉस लेके कोई अच्छे से शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, पर ये शेयर में से बाहर निकल जाना चाहिए। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ कि इसका पी मल्टीपल अपर प्राइस बैंड पे अगर देखा जाए तो 26.75 है। कैसे, तो 306 रुपए उसकी प्राइस है और लास्ट EPS यहाँ पर लिखा है कि 11.44 है। तो अगर अपन मार्केट 305 डिवाइड बाई ये कर EPS करते हैं तो EPS 26.75 आ जाएगा। और अगर पहले हम बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन की, तो ICICI सिक्योरिटीज 27.58 के पी पे काम करता है। जियोजीत फाइनेंशियल 19.73 के ऊपर काम करता है। IIFL होल्डिंग्स 8.15 के ऊपर काम करता है। मोतीलाल फाइनेंशियल भले ही इसका पी ज्यादा है, बट इसका वर्क भी अच्छा है और उसका ग्रोथ भी अच्छा है एज कम्पेयर टू एंजल ब्रोकिंग। JMM फाइनेंशियल का भी 11.85 का है और इंडस्ट्री एवरेज पी 20 के अराउंड है। और अगर अपन इंडस्ट्री पी के अराउंड उसकी वैल्यूएशन गिनते हैं, क्योंकि ऐसा कोई शेयर इस शेयर में कोई इतना खास बात नहीं, इस कंपनी में ऐसा कोई खास बात नहीं है जो इसको अपने इंडस्ट्री से कुछ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे, एक कोई बेटर पोजीशन दे, इसलिए मैं उसका वैल्यूएशन 20 के पी पर ही करूंगा। मानी कि 11.44 × 20 अराउंड 228 के और 229 के बीच इसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से होता है। आपकी स्ट्रेटेजी अपने मुताबिक बनाएगा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और कोई भी ट्रेड लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करेगा, उनकी कंसल्टेशन लेगा। और बस अगर ये सपोज ये बहुत नीचे अगर जाता है और किसी को लेना ही है तो मेरे हिसाब से इस शेयर को 175 to 200 के बीच में लेना चाहिए, और वो भी 250 के लिए लेना चाहिए, मीन्स उससे ज्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। सो ऑलमोस्ट ये शेयर मेरे लिए तो अवॉइड ही रहेगा, बट फिर भी अगर किसी ने अप्लाई किया है और अगर उसको अलॉटमेंट मिला है तो ये कल के दिन ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं।
अपना लॉस बुक कर लीजिए और बाहर निकल जाइए। थैंक यू सो मच। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।